अरे अभी तो छोड़ दो यार भाई, पूरे एक साल से मुझे बंद करके रखा है जेल के अंदर। भाई ये पुलिस वाले भी ना यार, बिना मेरे गलती के मुझे पकड़ के रखा है। पता नहीं यार गाइस, यार ये मुझे कब छोड़ेंगे। बट यार गाइस आपको पता है, मैं पूरे एक साल से जेल के अंदर बंद हूँ और ये पुलिस वालों के ऊपर मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है यार। बिना मेरे गलती के मुझे अभी तक जेल के अंदर बंद करके रखा है। दरअसल गाइस आपको पता है, जो अपने लॉस सेंटर्स के अंदर बहुत बड़ा डायमंड की शॉप है, वहां पर गाइस यार तीन चोर आकर वहां पर चोरी कर रहे थे। और गाइस मुझे लिटरली पता नहीं था कि भाई साहब उनके अंदर लेस्टर है, और वो तीनों मिलकर जाकर भाई साहब उस ज्वेलरी शॉप के अंदर चोरी करने आ रहा था। और फिर यार गाइस मैंने वहां पर जाकर देखा कि भाई साहब एकदम मस्त वाली चोरी चल रही है। फिर गाइस मैंने वहां पर थोड़ा ध्यान से देखा कि एक बंदा भाई साहब थोड़ा हिल हिल के चल रहा था, मतलब गाइस यार उसके पैर में थोड़ी चोट लगी हुई थी। फिर गाइस मैंने नोटिस किया कि भाई साहब वो लेस्टर है, जो कि भाई मेरा दोस्त है। तो गाइस यार मैं वहां पर रुककर देखने लगा कि भाई साहब अपना लेस्टर भाई कैसी चोरी कर रहा है। बट यार गाइस लेस्टर ने मुझे देखकर पहचान दी, मतलब यार उसने हाथ हिलाकर मुझे दिखा दिया। और गाइस यार उन पुलिस वालों को लगा कि यार मैं भी उन चोरों के साथ हूं। और यार गाइस आपको पता है भाई साहब वो लेस्टर वेस्टर तो सभी लोग वो सारी सारी ज्वेलरी लेकर भाग गए। बट यार गाइस वहां पर अकेला फंस गया और भाई साहब वो पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। और यार वो लोग मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे यार। उनको मैंने हजार बार बोला कि भाई साहब मैं उनके साथ नहीं था, बट यार फिर भी यार उन लोगों ने मुझे अभी तक पकड़ के रखा है। तुम लोग देखो भाई साहब, चार दीवारों के बीच में फंसा हुआ हूं मैं। भाई साहब एक छोटा सा बेड है भाई साहब, इसके ऊपर से 10 बार गिरते रहता हूं रात में। और एक छोटा सा कबर्ड है, इसके ऊपर भाई क्या ही वॉशरूम करूंगा मैं। अबे यार गुस्सा आ रहा है, कोई तो मदद कर दो मेरी। और आज तो पूरा एक साल हो चुका है गाइस, भाई साहब मुझे रुका नहीं जा रहा यार घर पे जाने के लिए। और भाई सिंचन और चौप पता नहीं यार अभी क्या कर रहे होंगे। भाई साहब कौन उनका ख्याल रख रहा होगा, भाई उनके पास तो खाने के पैसे भी नहीं है। अबे यार ये सब क्या हो रहा है भाई, गुस्सा आ रहा है यार। कोई तो यार मुझे फटाफट से बाहर निकालो, मुझे किसी भी हालत में सिंचन और चौप से मिलना है। अबे यार क्या चल रहा है। हेलो भाई कोई है यहाँ पे, हेलो भाई पुलिस वाले कोई है जो कि भाई मेरी मदद कर सकता है। हेलो भाई कोई है। अबे यार ये लोग तो वापस से इग्नोर करने लग गए। अबे कोई तो मदद कर दो भाई मेरी। अब यार गाइस मुझे लगता है वापस से मुझे इंतजार ही करना पड़ेगा। गाइस एक काम करता हूं, जब मुझे लोग खाना देने के लिए आएंगे तब भाई इनसे वापस से बात करके देखता हूं, काश भाई कोई ना कोई तो मेरी मदद कर दे। लो यार आज पूरा एक साल बीत गया, बट यार फैंकी भैया अभी तक वापस से घर पे आए नहीं। पता नहीं यार कहां पर चले गए फैंकी भैया। यार फैंकी भैया की मुझे तो बहुत ज्यादा याद आ रही है। बट यार गाइस आपको पता, मैंने यार फैंकी भैया को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की, बट यार फैंकी भैया पता नहीं कहीं मिले नहीं। बट यार गाइस आपको पता, आज तक यार मेरी मम्मी पापा गाँव से मुझे खाने के लिए पैसे भिजवाते थे, बट यार आज पूरा एक महीना खत्म हो गया। बट यार गाइस मेरे मम्मी पापा ने अभी तक कुछ खाने के लिए भिजवाया नहीं गाँव से। अब यार मैं क्या करूँ यार, कैसे खाना खाऊंगा। और यार गाइस मुझे सुबह से बड़े जोर से भूख लग रही है। अब यार मैं क्या करूँ क्या करूँ, कहाँ से लाऊंगा खाना। अगर यार फैंकी भी अभी हमारे साथ होते ना गाइस, तो यार वो हमें अभी एकदम मस्त वाला खाना देते। बट यार वो बिना बताए कहाँ पर चले गए, मुझे तो अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया। रुके एक काम करता चौप को पूछता हूँ, उसने अभी तक कभी फैंकी भैया को देखा या फिर नहीं। अरे वही चौप के बच्चे, तूने फैंकी भैया को देखा कहीं पर। अब नहीं भाई सिंचन, मैंने तो अभी तक कलवे को कहीं देखा ही नहीं। और भाई मुझे तो कितनी ज्यादा याद आ रही उसकी, भाई एक साल हो गया उसको देखा नहीं है मैंने। हाँ यार चौप मुझे भी उनकी बहुत ज्यादा याद आ रही है, पता नहीं यार एक साल से कहाँ पर गायब हो गए। अब भाई सिंचन मुझे तो ऐसा लगता है वो हमें छोड़ के चला गया। क्या कहा छोड़ के चला गया। अब हाँ सिंचन मुझे भी ऐसा लगता है भाई साहब उसको लग गया होगी कोई बड़ी सी लॉटरी, और भाई साहब वो हमें छोड़ के चला गया होगा। नहीं यार चौप ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरे फैंकी भैया मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, और यार वो मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। बट यार उनका अभी तो कोई आता पता नहीं है, वो तो मुझे समझ नहीं आया। अब भाई सिंचन एक काम करता है, पुलिस स्टेशन में जाकर अपने कलवे की मिसिंग कंप्लेंट लिखवा देता है। नहीं नहीं यार हमारे फैंकी भैया छोटे बच्चे थोड़ी ना है जो कि यार खो जाएंगे। अब हाँ भाई यार बात तो सही है, तो तुझे क्या लगता है भाई वो कहाँ पर गया होगा। वो तो यार मुझे भी नहीं पता। रुक यार एक काम करता हूँ, वापस से फैंकी भैया को कॉल लेने का ट्राई करता हूँ। अब हाँ भाई जल्दी लगा यार, मुझे बड़े जोरों से भूख लग रही है। अरे हाँ रुक जा लगाता हूँ। अरे वाह यार क्या ब्यूटीफुल सा दिन है। एक सेकंड, अरे यार तुम लोगों ने अभी तक सारे के सारे पत्थर फिकवा नहीं दिए यार से। अरे सर वो क्या पता ये पत्थर बहुत ज्यादा भारी है। अरे मुझे वो सब नहीं पता, फटाफट से अभी ये चार के चार पत्थर उठाओ और भाई साहब फेंक दो कहीं पे। सारा मुझे मेरे घर के सामने पत्थर दिखने भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ सर वो तो हम फेंक देंगे, आप एक काम करो बड़ा सा जिसे भी मंगवा लो उसकी मदद से हम लोग इसको फिकवा देंगे। अरे मुझे वो सब नहीं पता, तुम दोनों ही मिलकर करोगे, मेरे पास पैसे नहीं है यार जिसे भी मंगवाने का है। पर यार सर हम दोनों इतने बड़े बड़े पत्थर को कैसे उठाएंगे। अरे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तुम उठाओ कैसे भी, मैं तो अभी जा रहा हूँ बाहर। अच्छा ठीक है सर हम लोग कर लेंगे। वैसे सर मुझे एक बात बताओ, ये पत्थर हमें फेंकने कहाँ पर है। अरे हाँ यार वो तो मैंने तुम्हें बताया नहीं अभी तक। हाँ तो बताओ ना सर कहाँ पर फेंके हम लोग ये पत्थर। अरे रुको रुको मैं तुम्हें सोच के बताता हूँ, दो मिनट रुक जाओ। अच्छा ठीक है सर। अरे यार मैंने उनको बोल तो दिया कि ये पत्थर फेंक दो, बट यार ये लोग फेंकेंगे कहाँ पर यार समझ नहीं आ रहा। रुको यार एक काम कर दो, अपने सामने वाले पहाड़ के ऊपर फेंकवा दूँ। अब पर नहीं यार ये तो लॉस एंजेलिस के गवर्नमेंट की जमीन है, यहाँ पर तो नहीं फिकवा सकता। तो कहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर फिकवा दू। वैसे भी यार ये फ्रैंकलिन का बच्चा तो पूरे एक साल से गायब है, बट आने यार वो कहाँ पर चला गया। तो चलो यार इसी बात का मैं फायदा तो उठा सकता हूँ, क्या इसके घर के सामने सारे के सारे पत्थर फेंक दूंगा। बट यार ये जो सिंचन और चौप है ये लोग बड़े दिनों से दिखा नहीं है मुझे। चलो यार जाकर देख लो घर के अंदर है क्या नहीं। अरे छोड़ो मुझे क्या करना है। अरे नहीं नहीं यार देखा तो नहीं है, और अगर दिख गया तो साली को पिटाई कर दूंगा मैं। अबे चलो यार पहले जाकर देख लेता हूँ।
जाऊँ, सुबह सुबह इनको मारकर मेरा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। तो आओ भाई चलो चलता पड़ा देखता हूँ। ये देखो ये रहे शिनचैन चाप, वहाँ भाई ये लोग तो यही पर मिल गए मुझे, अब जाकर इनकी पिटाई करता हूँ। अरे कौन आ गया? अरे शिनचैन मैं हूँ तुम्हारा पड़ोसी शर्मा जी। क्या कहा हमारे पड़ोसी शर्मा जी, आप यहाँ पर क्यों आए हो? अरे मैं तो बस ऐसे आ गया था तुम्हारे घर के अंदर देखने के लिए यार, अभी तक फ्रैंकलिन आया या फिर नहीं? नहीं नहीं शर्मा जी, फ्रैंकी ब्याह तो अभी तक आया नहीं है, आपको पता है क्या कुछ फ्रैंकी ब्याह के बारे में? अरे नहीं यार मुझे भी नहीं पता, बट यार मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा फ्रैंकलिन जो है वो तुम दोनों को यहाँ पर छोड़ के चला गया इस घर के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा पुराना है। अब्बा भाई तुझे क्या करना है, हमारा कलवा कुछ भी करके जाए, हमें तेरी सलाह की जरूरत नहीं है। अरे भाई कुत्ता तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा? अब हाँ बोलूंगा, क्या कर लेगा तू? अरे शर्मा जी आप एक काम करो, आप यार चुपचाप से आपके घर पे चला जाओ, मुझे लगता है आप यहाँ पर हमारे साथ झगड़ा करने के लिए आए हो। अरे हाँ हाँ बच्चा झगड़ा करने के लिए तो मैं आऊँ, बट यार तुम दोनों की जो औकात है, और भाई साहब तुम दोनों इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरे सामने करते हो, सारा तुम दोनों को तो पिट पिट के तुम्हारी चटनी बना दूंगा। अरे शर्मा जी अपना मुंह बंद रखो। अरे शर्मा जी ये क्या, आपने तो यार मेरा खून निकाल दिया। अरे हाँ निकालूंगा साले, क्या करेगा तू, मैं तो आपको छोड़ूंगा नहीं। अच्छा ऐसी बात है, रुक जा अभी तुम दोनों को बताता हूँ भाई साहब मैं क्या करता हूँ। तुम्हें क्या लग गया मैं बुढ़ा हो गया तो भाई साहब तुम लोग कुछ भी करोगे? अरे शर्मा जी जाओ ना यहाँ से, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, नहीं तो मैं आपको मार मार के आपकी चटनी बना दूंगा। अच्छा ऐसी बात है, आजा मार मुझे चाले, अभी तुझे बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। अरे हाँ रुको मैं अभी आपको बताता हूँ, अल्टू करने से अभी तुझे लात मारता हूँ शाले। हेलो भाई सारा निपट गया, दिमाग खराब कर रहा मेरा तो। अब भाई शर्मा जी तूने ये क्या कर दिया भाई साहब, हमारे शिनचैन को मार दिया। अब मारा नहीं है बस मार मार के बेहोश किया है, सारा कुछ ज्यादा बोल रहा था। अब पर भाई तूने तो मुझे भी दो बार लाते मारे भाई, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे जाओ जाओ कुछ भी नहीं कर पाओगे, वैसे भी यार तुम्हारा फ्रैंकलिन आता नहीं अभी। अब्बा भाई रुक जा तुझे बताता हूँ। अरे चल चल निकल छाड़े, मुझे लगता है अभी तेरी भी पिटाई करनी पड़ेगी मुझे। अब अब्बा नहीं 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 भाई जा 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 भाई, पिटाई मत कर मेरी। अरे ये बोलना बात, चल अभी मैं तो चलता हूँ, चला अगर वहां पे पिटने का मन हुआ तो मुझे बता दियो। अब जा भाई क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा। अरे चल भाई निकल छाड़े। अरे यार वाह भाई आज तो मजा आया इन दोनों की पिटाई कर कर। अरे बड़े टाइम बाद यार सालों के ऊपर हाथ उठाया मैंने, वैसे भी यार फ्रैंकलिन उठा तो मैं इनके ऊपर हाथ नहीं उठा पाता, बट यार आज तो मजा आ गया भाई। बट यार फिलहाल के लिए चलो यार फटाफट से अपने वर्कर को बोल देता हूँ इसके घर के सामने पत्थर फेंकवाने के लिए। वैसे भी यार भाई साहब किसको फर्क पड़ने वाला इन दोनों से, हाँ बोलता बड़ा से। अरे काम करो फटाफट से, हमारा जो पड़ोसी का घर है उसके सामने वो पत्थर फेंक दो चारों के चारों। क्या उनके घर के सामने? अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जितना कहा उतना करो। अच्छा ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी, फेंकवा देते हम लोग। अरे हाँ जल्दी फेंकवाओ, मैं जा रहा हूँ अपने कपड़े बदलने के लिए, जल्दी फेंक देना। अरे हाँ हाँ फेंक देंगे सर। ऑर्डर चला यार फटाफट से चलता कपड़े बदलने के लिए। अरे वाह यार रेस्टोरेंट में खाना खाकर तो आज मजा आ गया, अभी चलो यार चलता फटाफट से लेट्स गो अपने काम पे लग जाता हूँ। बट यार आज मुझे ऐसा लगता है मुझे किसी कैदी को छोड़ना था, पूरे एक साल हो गए यार उस कैदी को हमारे प्रिजन के अंदर बंद रह रहे। अब रुको पहले देखता हूँ आज मुझे इसको छोड़ना था या फिर नहीं। आओ पहले तो देखता हूँ यार क्या नाम था उसका। इसका नाम है फ्रैंकलिन क्लाइंटन, इसका नंबर है 101 कैदी नंबर, और यार इसने जुर्म किया था चोरी करने का, वो भी डायमंड शॉप में। साला चोर, एक साल बाद आज ये छूटने वाला है। बट खैर कोई बात नहीं, इसको जो हमने पूरे एक साल की सजा दी है इसके कारण तो मुझे नहीं लगता कि भाई साहब ये वापस से कभी लॉस एंजेलिस के अंदर चोरी करेगा। बट हाँ यार अगर इसने वापस से चोरी कर दी तो यार हमने इसके बॉडी के अंदर ट्रैकर डाला हुआ है, तो हम लोग इसको फटाक से पकड़ लेंगे, फिर तो ये बचने नहीं वाला हमारे हाथों से। बट हाँ यार फटाक से चलकर देखता हूँ अभी क्या कर रहा है। हेलो भाई फ्रैंकलिन कहाँ पर हो? ये देखो ये रहा वो काला सा चोर। अरे कौन? एक सेकंड। अरे ऑफिसर सर आप यहाँ पर आ गए मुझे खाना देने के लिए? अरे नहीं नहीं खाना देने के लिए नहीं, मैं तो तुम्हें रिहा करने के लिए आया हूँ। क्या रिहा करने के लिए? मतलब छोड़ने के लिए ना? अरे बिल्कुल बिल्कुल मैं तुम्हें छोड़ने के लिए आया हूँ। रुको गेट खोलता हूँ, ये खुल गया गेट, आ जाओ फटाक से बाहर। अरे क्या सर आप सच बोल रहे हो? अरे बिल्कुल मैं सच बोल रहा हूँ, क्यों तुम्हें नहीं जाना क्या घर पे? अरे जाना जाना सर, मैं तो उसी बारे में आपसे बात करने वाला था। अरे तो आओ फटाक से मेरे पीछे। अरे हाँ सर चलो मैं आप ही के पीछे आ रहा हूँ। अरे हाँ जल्दी आ जाओ फटाक से मेरे पीछे, तुम्हें ऊपर साइन भी करनी है। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर अभी आता हूँ। चलो गाइस मजा आ गया यार, फाइनली मैं छुट गया जेल के अंदर से, अब चलो गाइस फटाक से जाकर साइन करता हूँ। अरे हाँ जल्दी आओ साइन करने के लिए, वैसे भी यार मेरे पास टाइम नहीं है। अरे हाँ सर रुको मैं आ रहा हूँ। अरे हाँ जल्दी आ जाओ। चला 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 भाई फटाक से साइन करके यहाँ से निकल जाएंगे। बट यार सर मुझे एक बात बताओ, आपने मेरी कार भी सीज की थी ना? अरे हाँ कार भी सीज की थी तुम्हारी, तो सर वो कार कहाँ पर है? अरे वो तो बस यही पर पार्किंग में खड़ी होगी। अच्छा ठीक है सर, अब बताओ जरा भाई मुझे कहाँ साइन करनी है? ये देखो यहाँ पर इस पेपर के ऊपर साइन करनी है तुम्हें। अच्छा ठीक है सर अभी साइन करता हूँ, लेट्स गो गाइस कर दे फटाक से अपनी साइन, ये कर दे साइन। और सर आप मुझे मेरी कार की चाबी दे दो फटाक से। अरे हाँ देता हूँ देता हूँ, बट यार तुम अभी तक काले कैसे हो? अरे क्यों सर ऐसे क्यों पूछ रहे हो? दरअसल यार तुम एक साल से जेल के अंदर बंद हो, मुझे लगा कि तुम गोरे तो हो जाओगे, बट यार एक साल भी तुम काले ही हो। मजा आ गया। अरे आप मेरी बेइज्जती क्यों मार रहे हो? अरे वो तो बस ऐसे ही, ये लो तुम्हारी कार की चाबी।
रखा अभी। अरे थैंक यू सो मच सर। और यार मुझे एक बात बताओ, आइंदा से कभी अगली बार चोरी करोगे? अरे सर मैंने कोई चोरी नहीं की थी, आप तो मेरी बात नहीं सुन रहे हो। अरे जाओ जाओ, हमें पता है तुम ही चोरी कर रहे थे। अच्छा ठीक है सर, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे भी यार मुझे अभी आपको समझाने का टाइम भी नहीं है और भाई साहब मुझे समझाना भी नहीं है, क्योंकि यार गाइस अब मैं फाइनली जेल से बाहर निकल चुका हूँ और भाई खुली हवा में सांस ले रहा हूँ, कितना बढ़िया लग रहा है भाई। पूरे एक साल बाद जेल से बाहर निकला हूँ मैं गाइस, यार कितना मस्त लग रहा है। ये खुला खुला आसमान भाई साहब, ये सूरज भाई साहब क्या बढ़िया दिख रहा है भाई। ऐसा लग रहा है कि पहली बार जिंदगी जी रहा हूँ और इतना मस्त जो लग रहा है ना गाइस, मजा आ रहा है यार। बट यार गाइस आपको पता है भाई साहब पूरे एक साल तक मैंने जो इस जेल के अंदर निकाला है, इसलिए गाइस यार मुझे ये नहीं पता कि अभी सिंचन और चौप क्या कर रहे होंगे। क्या पता भाई वो लोग मुझे भूल गए हो। अबे नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, मैंने भाई सिंचन को बचपन से संभाला, मुझे पता है भाई सिंचन मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और मैं भी भाई सिंचन से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं यार। बट अभी गाइस यार मुझे ये भी नहीं पता कि भाई सिंचन मुझे पहली बार देखकर कैसा रिएक्ट करेगा। अबे यार तब तो गाइस यार अगर वो गुस्सा होगा मेरे ऊपर तब तो गाइस यार वो तो भाई मुझसे बात भी नहीं करने वाला। खैर गाइस कोई बात नहीं, अभी वो तो एक काम करता है, घर पे जाकर देखते हैं भाई सिंचन का रिएक्शन और भाई चॉप का रिएक्शन क्या होने वाला मुझे देखने के बाद। बट यार गाइस जब तक मैं अपने घर पे जाता हूँ तब तक गाइस यार मैं आप सभी को एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट देना चाहता हूँ अपने इन वीडियोस के अंदर। और गाइस आपको पता होगा यार भाई साहब मैं डेली अपने वीडियोस के अंदर आप सभी को शाउट आउट देते रहता हूँ। तो गाइस आज का अपना पहला शाउट आउट जाता है अपने तन्मय भाई को, इनका बर्थडे आता है 3 नवंबर को। तो तन्मय भाई आपका बर्थडे यार बड़ा लेट आने वाला है, फिर भी यार आपको मेरी तरफ से एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट और भाई एकदम बढ़िया हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। और गाइस अपना अगला शाउट आउट जाता है अपने आयुष भाई को, इनका बर्थडे आता है 15 जनवरी को। तो आयुष भाई आपका बर्थडे यार करीब 2 महीने पहले हो गया, फिर भी यार आयुष भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको भी यार मेरी तरफ से एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट और भाई एकदम बढ़िया हैप्पी बर्थडे इन एडवांस अगले साल के लिए। और गाइस अपना अगला शाउट आउट जाता है अपने श्याम भाई को, इनका बर्थडे आता है 18 अगस्त को। तो श्याम भाई आपका बर्थडे भी यार बड़ा लेट आने वाला है, तो आपको भी मेरी तरफ से एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट और भाई एकदम बढ़िया हैप्पी बर्थडे एडवांस। अरे गाइस आपको भी मेरे वीडियोस के अंदर अच्छा शाउट आउट चाहिए तो गाइस एक काम कर देना भाई, फटाफट इस वीडियो का लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हां गाइस जाओ यार अभी इस वीडियो का लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और भाई कमेंट के अंदर अपना नाम और अपनी बर्थडे जरूर लिखना ताकि गाइस मैं आप सभी को एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट दे सकूं यार। और चलो गाइस अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा सीधा चलते भाई अपने घर और भाई जाकर सिंचन और चौप का रिएक्शन देखते हैं। तो चलो गाइस चलते बड़ा से लेट्स गो। गाइस यार मुझे अभी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यार मुझे अपने आस पड़ोस के घर को देखकर, मतलब यार गाइस देखो ना भाई यहाँ पर कितने छोटे छोटे घर हुआ करते थे एक साल पहले, बट यार अभी भाई लोगों ने कितने बड़े बड़े घर बना दिए। बट यार ये वाले घर जैसे थे वैसे ही अभी तक। खैर भाई मुझे क्या करना है, मुझे तो भाई पड़ा जाकर सिंचन और चौप से मिलना है भाई, मैं तो उन लोगों से मिलने के लिए भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये देखो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं अपने घर के पास, और ये देखो गाइस अपना घर भाई कितना ज्यादा पुराना हो चुका है। और ये क्या भाई घर की लाइट चली गई है? अबे भाई मुझे लगता है यार भाई सिंचन और चौप ने घर का लाइट बिल नहीं भरा होगा। अबे हाँ भाई उनके पास पैसे भी कहाँ से आएंगे। अबे यार पार्किंग में पार्क करता हूँ, अबे ये क्या है भाई मेरे घर के सामने इतने बड़े बड़े चार चार पत्थर, वो भी इतने बड़े बड़े। अबे यार ये क्या ड्रामा है भाई, वो भी इतने बड़े बड़े पत्थर भाई मेरे घर के सामने फेंक कर कौन चला गया। अबे यार मुझे लगता है सिंचन और चौप ने तो नहीं किया, या फिर भाई ये दोनों मेरे घर को फेंक कर चले गए। अबे यार ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं खुद कंफ्यूज हूँ, रुको भाई चलकर पूछता हूँ। हेलो भाई सिंचन चौप घर पे हूँ, एक सेकंड। अबे ये क्या चल रहा है यहाँ पे? अब भाई कलवा तू। अबे हाँ भाई चौप मैं हूँ भाई, तू मुझे एक बात बता ये सिंचन क्या कर रहा है? अबे भाई कलवा तुझे पता है भाई साहब ये जो हमारा पड़ोसी शर्मा जी है भाई साहब, इसने आकर आज सुबह सुबह सिंचन और मेरी पिटाई कर दी। और भाई तू पूरे एक साल से कहाँ पर था भाई बता जरा। अरे वो तो मैं बाद में बताता हूँ, बट यार तूने पहले क्या कहा कि भाई साहब ये शर्मा जी ने आकर तुम दोनों की पिटाई की? अबे बिल्कुल भाई कलवा इसने आकर सुबह सुबह हमारी पिटाई की भाई, तू ही देख लियो भाई इसने सिंचन की क्या हालत की है। अबे हाँ यार गाइस लोग ये देखो भाई सिंचन तो लगता है बेहोश है। अबे हाँ भाई कलवा सिंचन पूरे एक घंटे से बेहोश पड़ा हुआ है भाई साहब, उसको उठा दे यार। अबे हाँ रुक जा भाई उठाता हूँ। हेलो भाई सिंचन उठ जा यार। हेलो भाई सिंचन। अबे यार गाइस सिंचन तो उठने का नाम नहीं ले रहा यार। बट यार ये शर्मा जी जो हमारा पड़ोसी है भाई साहब ये तो बुढ़ा है ना। अबे हाँ भाई कलवा वो तो और भी बहुत ज्यादा बुढ़ा हो गया, और ऐसा लगता है भाई साहब बुढ़ा होने के साथ साथ उसका दिमाग भी खराब हो गया है, सुबह सुबह आकर भाई हम दोनों को पीट कर चला गया। बट यार मुझे बता तो सही उसने क्यों मारा, तुम दोनों ने कुछ किया था उसको? अबे नहीं भाई कलवा हम दोनों ने कुछ भी नहीं किया था, हम दोनों तो भाई तुझे कॉल करने के लिए ट्राई कर रहे थे वापस है। अबे यार भाई ये शर्मा जी के ऊपर मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है यार। और भाई कलवा तुझे पता है उसने कहा कि तू हमें छोड़ के चला गया पूरी जिंदगी भर के लिए? अबे नहीं भाई मैं तुम्हें छोड़ के नहीं गया था। अबे तो कहां पर गया था? अबे रुक जा भाई बाद में बताता हूँ, बट यार पहले जाकर इसे बदला तो लेकर आऊ। सर ऐसे कैसे भाई मेरे सिंचन और चौप के ऊपर हाथ उठा दिया, साले को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रुक भाई अभी जाकर उसकी खबर लेता हूँ। सर ऐसे कैसे हाथ उठा दिया भाई सिंचन के ऊपर? भाई सिंचन जो एक छोटा सा बच्चा है भाई, छोटे से बच्चे के ऊपर हाथ उठाएगा? और यार ये देखो भाई ये रहा वो शर्मा जी, सर देखो भाई कैसे खुशी में भाई गिटार बजा रहा है। अरे वाह वाह भाई मजा आ गया यार सिंचन और चौप को मारकर, और भाई शाटी में सारे के सारे पट्टा इनके घर के सामने भी फिकवा दिया है। आ आ आ मजा आ गया भाई मजा आ गया। अबे मजा मजा सारा तेरी मजे की सजा ही बनाता हूँ, साले सिंचन और चौप के ऊपर हाथ उठाएगा और भाई हमारे घर के सामने पत्थर फिकवाएगा साला बुड्ढा। अरे यार कौन है? अरे मैं हूँ भाई फ्रैंकलिन लैंटन, जो कि भाई वापिस से आ चुका है सिंचन और चौप के लिए। और तुम कहाँ से आ गए फ्रैंकलिन? अरे तुझे क्या करना है साले बुड्ढे, चल साला
दिमाग खराब कर रहा है। अबे यार भाई मैंने उसको मार तो दिया भाई गुस्से में, बट यार अब ये सिंचन भाई कैसे उठाओ समझ नहीं आ रहा मुझे। ऐसा लगता है गाइस यार मुझे उसको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। अबे हाँ चलो भाई मैं भी क्यों इंतजार कर रहा हूँ, अभी सिंचन को लेकर जाता हूँ भाई हॉस्पिटल के अंदर। ये देखो अभी सिंचन उठ गया क्या भाई चौप। अब आ भाई कल अभी अभी वो होश पे आया, तू बात कर लियो उससे। अरे हाँ रुक जा भाई करता हूँ। हेलो भाई सिंचन तू कैसा है? अरे कौन है यार थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। अरे मैं हूँ भाई फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन भैया? अरे बिल्कुल भाई थोड़ा ध्यान से देख लियो कि भाई मैं हूँ भाई फ्रैंकलिन। अरे नहीं नहीं यार मुझे भरोसा नहीं हो रहा अपने आंखों पे, फ्रैंकलिन भी आते कब के हमें छोड़ के चले गए। अरे नहीं भाई मैं तुम्हें कुछ छोड़ वोड़ कर ही चला गया। तो यार कहाँ पर थे तुम? अरे दरअसल भाई सिंचन वो बहुत ज्यादा लंबी कहानी यार, छोड़ बाद में समझाऊंगा। नहीं नहीं तुम अभी समझाओ मुझे। अरे यार तुझे पता भाई जो लेस्टर है वो अपने तीनों दोस्तों के साथ मिलकर भाई एक ज्वेलरी शॉप में चोरी कर रहा था। तभी भाई साहब मैं उसी ज्वेलरी शॉप के पास था और भाई मैंने देखा कि भाई साहब उनमें से एक बंदा भाई थोड़ा नहीं क्या ऐसा लंगड़ लंगड़ के चल रहा था। मतलब यार मैं समझा नहीं, अरे मतलब भाई उसके पैर में चोट लगी हुई थी और भाई साहब वो ढंग से चल नहीं पा रहा था। तभी भाई मुझे थोड़ा शक हो गया था कि भाई साहब ये अपना लेस्टर ही हो सकता है। हाँ तो आगे क्या हुआ? तब यार भाई मैं वहाँ पर साइड में रुककर देखने लगा कि भाई ये अपना लेस्टर है या फिर कोई और है। तो यार आगे क्या हुआ वही तो बताओ। तब यार भाई वहाँ पर मैंने देखा कि भाई साहब ये तीनों लोग मिलकर भाई ज्वेलरी शॉप के अंदर जाकर चोरी कर ली और भाई तभी लेस्टर ने मुझे देख लिया और भाई साहब उसने मुझे पहचान लिया और भाई उसने अपना मास्क निकाल के मुझे दिखा दिया। और फिर भाई तुझे पता मैं तो भाई उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया और भाई मैं तो नाच वाच रहा था वहाँ पे। क्या तुम नाच रहे थे? बिल्कुल भाई मैं वहाँ पर नाच रहा था और भाई उतने में एक पुलिस वाले ने मुझे देख लिया और भाई साहब उसको लगा कि मैं भी उन चोरों के साथ हूँ। तो यार उन्होंने आपको पकड़ लिया? अरे बिल्कुल भाई उसने मुझे पकड़ लिया और पूरे एक साल के लिए जेल में डाल दिया। क्या तुम जेल में थे एक साल के लिए? बिल्कुल भाई पूरे एक साल के लिए जेल में था। तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? अरे भाई सिंचन मैंने उस पुलिस ऑफिसर को बहुत ज्यादा बोलने के ट्राई किया कि भाई मेरा छोटा भाई और भाई मेरा डॉगी घर पे मेरा अकेला इंतजार कर रहा है, बट यार उन्होंने जरा भी मेरी बात नहीं सुनी और भाई साहब मेरे पर बिना रहम किए भाई साहब मुझे जेल के अंदर बंद कर दिया। और भाई आज पूरे एक साल बाद उन लोगों ने मुझे जेल से बाहर निकाला है। तो फ्रैंकी भाई आपने हमें बताया क्यों नहीं? अरे मैंने कहा ना भाई वो पुलिस वालों ने मेरी बात नहीं सुनी। अरे यार तुम्हारे साथ तो फिर बहुत ज्यादा बुरा हुआ। अरे वो ही तो बोल रहा है यार, बट यार फ्रैंकी भाई आपको पता है भाई साहब हम लोगों ने कैसे कैसे दिन निकाले। आपको पता है हम लोगों ने घर का कुछ कुछ सामान बेच के पैसे लाए और यार उन पैसों से पूरा महीना निकाला और खाना भी खाया। अरे सॉरी भाई सिंचन मुझे माफ कर दिया यार मेरे वजह से ये सब हुआ। नहीं यार आपकी भी गलती नहीं थी, आप तो बस यार वहाँ पर रुक कर देख ही रहे थे। अरे हाँ भाई सिंचन तू तो कितना अच्छा है भाई, देख रहे हो गाइस सिंचन ने तो मुझे समझ के ले लिया। बट यार भाई सिंचन के साथ मेरे वजह से बहुत ज्यादा बुरा हुआ यार। भाई सिंचन तू मुझे एक बात बता, तूने कुछ खाया? नहीं यार फ्रैंकी भाई इसलिए तो मैं आपको सुबह से कॉल लगा रहा था, मुझे यार बड़े जोरों से भूख लग रही है। अब हाँ भाई कल मुझे भी बड़े जोरों से भूख लग रही है, भाई कुछ खिला दियो मुझे। अब हाँ यार भूख तो मुझे भी लग रही है। मैं यार अपने इस गाय को कहाँ पर छोड़ू यार, ये गाय ने तो अभी दूध देना भी बंद कर दिया है और यार मैं तो चाहता हूँ अब इस गाय को मैं कहीं ना कहीं पर छोड़ दूँ, बट यार छोड़ने के लिए कोई ढंग की जगह नहीं मिलती। जहाँ कहीं भी यार मैं इस गाय को छोड़ देता हूँ यार कोई ना कोई मुझे देख लेता है और यार वो मुझे डांट देता है कि अपने गाय को यहाँ पर ऐसे ऐसे क्यों छोड़ रहे हो। बट यार इस बार तो मैं नहीं चुकने वाला, इस गाय को कहीं ना कहीं पर तो छोड़ दूंगा। एक सेकंड यार ये जगह तो बढ़िया लग रही है इस गाय को छोड़ने के लिए, अबे छोड़ दो इसको यहाँ पर। वैसे भी यार ये यहाँ पर इधर घास खाती रहेगी और यार यहाँ की घास तो खत्म भी नहीं होगी, इतना बड़ा पहाड़ जो है ये। अरे हाँ एक काम करता हूँ यही पर इस गाय को छोड़ देता हूँ फटाफट से। चला 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 लेट्स गो फटाफट से, अब इस गाय को नीचे उतारता हूँ और यार इसको यही पर छोड़ के निकल जाऊंगा। भाई यार ला तो मार दी गाय ने तो। अब यार ये गाय भी ना इसलिए यार इस गाय को मैं छोड़ना चाहता हूँ, ये तो इस बार बचेगी नहीं मेरे हाथों से। रुको यार पहले तो इसको वापिस उतारता हूँ नीचे। फाइनली यार गाय को मैंने उतार दिया। अब वो गाय चला भी तू अपना काम करियो, मैं भी निकला यहाँ से। अम्मा अम्मा अरे जा यार, अम्मा अम्मा करने से कुछ भी नहीं होता, तू निकल साली गरीब। यार ये खटियार सी गाय मुझे चाहिए भी नहीं थी। वैसे भी यार मेरे पास बहुत सारी गाय है, बट यार एक सेकंड अभी तक मुझे किसी ने देखा नहीं ना। अरे हाँ मुझे तो अभी तक किसी ने देखा नहीं, मजा आ गया भाई मजा आ गया। चलो अभी चलता बड़ा चल लेट्स गो अपने घर पे वापिस है, जाकर अपना काम करता हूँ यार लेट्स गो। तो भाई तूने बिल्कुल सही कहा था भाई, हम लोग को रेस्टोरेंट के अंदर जाना चाहिए खाना खाने के लिए। बिल्कुल भाई कल भाई मुझे तो पता ही था भाई तुझे पसंद आएगा प्लान। हाँ मुझे भी प्लान पसंद आया, चलो चलो चलते फटाफट से। और यार मुझे एक बात बताओ ये पत्थर कहाँ से आए? अरे वो तो भाई वही शर्मा जी ने फिकवाया था हमारे घर के सामने। आपको कैसे पता चला? क्योंकि भाई मैं तो गया था थोड़ी देर पहले उनके पास उनकी पिटाई करने के लिए। क्या कहा आप उनकी पिटाई करके आयो? बिल्कुल भाई तेरा बदला तो मैंने ले लिया और भाई तुझे पता उसका बहुत ज्यादा खून भी निकाल दिया मैंने। क्या सच बोल रहे हो तुम? अरे बिल्कुल भाई सच बोल रहा हूँ। बड़ो भाई मैं पूरे एक साल बाद सिंचन अपने इस घर को देख रहा हूँ भाई, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखना भाई हमारे घर के सामने वाला ये पहाड़ भाई, क्या ही बड़ा सा पहाड़ था गाइस। आपको पता है यहाँ पर भाई मैं रोज सुबह वॉकिंग करने आता था, साइकिलिंग करने के लिए आता जब गाइस यार मैं जेल में नहीं था। बट यार ये देखो भाई अब यहाँ पर भाई कितनी बड़ी बड़ी घास उग गई है, ऐसा लगता है भाई। एक सेकंड अबे ये क्या है यहाँ पे? फ्रैंकी भाई ये तो एक गाय है ना? अब हाँ भाई ये तो एक गाय है, यहाँ पर गाय क्या कर रही है? अबे तुम लोग को नहीं पता है क्या यहाँ पर एक गाय क्या कर रही है? अबे नहीं भाई कल हमें तो नहीं पता, ऐसा लगता है भाई यार ये गाय यहाँ पर रोज ये घास खाने के लिए आती होगी। नहीं नहीं फ्रैंकी भाई मैं और चौप तो
और रोज सुबह यहाँ पर आकर खेलते थे, बट यार यहाँ पर कभी गाय नहीं देखी हमने। क्या पक्का नहीं देखी थी ना? हाँ पक्का नहीं देखी थी। तो यार ये गाय यहाँ पर कर क्या रही है? ऐसा लगता है भाई यार ये ऐसे घास खाते खाते यहाँ पर आई होगी। अम्मा अम्मा अम्मा, अरे ये गाय बोलना क्या चाहती है भाई? अम्मा अम्मा किए जा रही है। अब्बा भाई कल मैं समझ गया। अरे क्या बोल रही भाई बता जरा। अब्बा भाई कल वो बोल रही है उसके मालिक ने उसको यहाँ पर छोड़ दिया है। अभी तुझे कैसे पता चला वो गाय क्या बोल रही है? अब्बा भाई कल मैं डॉगी हूँ भाई, मैं समझ सकता हूँ कुछ भी। तू भाई उससे और भी कोई सवाल पूछ ले भाई, मैं तेरे को समझा दूंगा। अच्छा ऐसी बात है, रुक जवाब पूछता हूँ। अरे भाई गाय मुझे एक बात बताओ, तेरा मालिक तुझे क्यों छोड़ के चला गया? अम्मा अम्मा। अब्बा भाई कल उसने कहा कि भाई साहब वो दूध नहीं दे रहा अभी, इसलिए उसके मालिक ने उसको छोड़ दिया। अब यार ये कैसे लोग होते भाई, भाई सब अपनी गाय को कहीं पर भी छोड़ देते। अब यार लोग तो भाई अपने मतलब के लिए बस देखते हैं भाई जानवरों को। अब यार ऐसे तो मुझे गुस्सा आ रहा है यार। छोड़ो छोड़ो फैंकी भाई, काम करते इस गाय को अपने साथ रख लेते। वैसे भी यार अभी आप वापस आ गए हो, यार हमारे साथ और एक नया फैमिली मेंबर भी आ जाएगा। अब नहीं भाई तू क्या पागल है क्या? एक गाय वाय थोड़ी हम लोग साथ में रखेंगे। अम्मा अब भाई ये गाय मेरे पास क्यों आ रही है अभी? अब भाई कल वो काऊ बोल रही वो भी तेरे साथ आना चाहते रहने के लिए तेरे घर में। अब जा भाई मैं नहीं रखूंगा। भाई साहब पागल है क्या? हमारा घर भाई गाँव नहीं है भाई साहब, यहाँ पर हम लोग गाय वाय रखे। अब चल भाई कल रख लेते हैं, क्या ही जाएगा भाई तेरा। हाँ रख लो ना फ्रेंकली बेस को हमारे साथ। अब पर भाई अभी तो हम लोग रेस्टोरेंट में जा रहे थे ना। नहीं नहीं पहले तो इसको अपने घर में ले चलो। अब यार गाय सुन लो ये देखो भाई, सिंचन और चाप ने मुझे कहाँ पर फंसा दिया भाई। मैं पूरे एक साल बाद भाई जेल से वापिस आयु, बट यार ये लोग मुझे बोल रहे की गाय को अपने साथ रख लो। आ जा भाई गाय में रख लेता तुझे अपने साथ में। आ जा भाई पड़ा से मेरे घर के पास। अम्मा चलो गाय जब वो देखो गाय तो आ रही भाई हमारे पीछे पीछे। बट यार गाय ये जो चौप गाय की बातें समझ पा रहा है ये तो मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आया। पता नहीं गाय यार ये चौप का बच्चा करना क्या चाहता है और भाई ये समझ कैसे पा रहा है। अम्मा अरे हाँ हाँ रुक जा भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तेरे बारे में। बट यार पता नहीं गाय इस गाय का करना क्या है। यार गाय कोई बात नहीं, एक सेकंड। अबे ये क्या हो रहा है भाई सिंचन? वो देख भाई उस गाय के अंदर से भाई ये कौन कौन सा अजीब टाइप का धुआं लग गया। अरे हाँ ये तो मैं भी देख पा रही हूँ, कैसी पॉसिबल है? अरे वो तो भाई मुझे भी नहीं पता। गाय सब लोग देखो भाई यहाँ पर कितना सारा धुआं आ रहा है। रुको गाय एक काम कर दो यहाँ से थोड़ा दूर हटता हूँ। सिंचन भाई तू भी दूर हट जा। अरे हाँ फैंकी भाई चलो मैं आ रहा हूँ। और वो देखो गाय वो गाय वहाँ पर घूम रही है। पता नहीं गाय यार वहाँ पर क्या चल रहा है। सिंचन भाई तू कहाँ पर है? फैंकी भाई ये देखो यार यही पर हूँ मैं इस गाड़ी के पीछे। अरे हाँ रुक जा भाई। अबे यार ये साला पागल इंसान। अब यार चलो भाई उठ ही जाता हूँ। फैंकी भाई वो देखो वो धुआं तो रुक गया। अरे हाँ भाई धुआं तो रुक गया। और भाई वो गाय कहाँ पर चले गई? अब भाई कल है मैंने तो कुछ तो देख लिया अपने आंखों के सामने एकदम खतरनाक सा। अरे क्या देख लिया भाई? भाई कल मैं बता नहीं सकता। अरे बता ना भाई क्या देख लिया? अरे एक सेकंड भाई ये इंसान कौन है हमारे घर के सामने? अब भाई कल यही तो था उस गाय के अंदर। क्या यही था उस गाय के अंदर? अब बिल्कुल भाई कल यही था, इससे पूछ लियो। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, मेरा डॉगी बोल रहा है भाई तू ही था उस गाय के अंदर? अरे बच्चे बिल्कुल मैं ही था यार उस गाय के अंदर। अबे जा भाई पागल मत बनाओ। अरे मैं सच बोल रहा हूँ बच्चे मैं ही था उस गाय के अंदर, तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा? अबे हाँ भाई भरोसा नहीं हो रहा यार। अरे यार मेरी बात सुनो, मैं यार एक मैजिकल बाबा हूँ जो कि यार अपने लॉस एंडर्स के अंदर ऐसे यहाँ वहाँ भटक रहा था। और यार एक दिन मैंने सोचा कि चलो यार लॉस एंडर्स के अंदर देखती कि भाई साहब कौन सबसे ज्यादा अच्छा इंसान है। और यार फिर मैं बन गया एक गाय। और यार मैं यहाँ से वहाँ घूम रहा था। फिर यार एक दिन मुझे एक बुड्ढा इंसान मिला, उसने यार मुझे पकड़ा और अपने घर पे ले गया। और यार पता नहीं वो मेरा दूध निकालने के लिए ट्राई कर रहा था, बट यार दूध तो निकला नहीं, इसलिए यार उसने मुझे पकड़ा और भाई साहब वापिस छोड़ने के लिए चला आया। और यार ये जो पहाड़ देख रहे हो तुम? हाँ भाई देख रहा हूँ मैं। उसने यार मुझे इसी पहाड़ के ऊपर आकर छोड़ दिया और बोल दिया कि निकल जा दफा हो जा, ऐसे बोलकर मुझे चला गया वो। अब यार भाई तुम सच बोल रहे हो ना? अरे बिल्कुल बच्चे मैं सच बोल रहा हूँ, बट यार आज मैंने अपने आंखों से देख लिया लॉस सेंटर्स के अंदर अच्छे लोग भी है। अरे हाँ अंकल आप में इतना भी खास नहीं। हाँ अंकल मेरे फ्रैंकी भी है तो बहुत ज्यादा अच्छे है। अरे हाँ बच्चे तेरा फ्रैंकलिन तो अच्छा है ही। और भाई ये डॉगी और ये बच्चा भी बहुत ज्यादा अच्छा है, इन्होंने भी कहा कि यार भाई साहब इस गाय को अपने साथ रख लो। अरे हाँ अंकल आपने बिल्कुल सही कहा, ये दोनों भाई मेरे छोटे भाई की तरह है। अरे हाँ वो तो मुझे पता चल गया, बट यार आज जो तुमने मेरी मदद की है इसके बदले मैं तुम्हारी तीन इच्छाएं पूरी करूंगा। क्या तीन इच्छाएं पूरी करोगे? अरे बिल्कुल बिल्कुल बच्चा मैं तुम्हारी तीन इच्छाएं पूरी करूंगा। तुम मांगो बच्चे तुम्हें क्या चाहते हो मुझसे? अरे जाओ अंकल पागल मत बनाओ। बोल रहे यार तुम मेरी सारी की सारी इच्छाएं पूरी करोगे? अरे सारी नहीं तीन इच्छाएं पूरी करूंगा, तुम मांगो तो सही। अच्छा ऐसी बात है, तो रुको अंकल मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो। अरे हाँ सोचो सोचो बच्चे। हाँ सोच रहा हूँ। गाय जरा आपने देखा भाई साहब ये अंकल बोल रहे कि भाई साहब ये मेरी तीन इच्छाएं पूरी करेंगे, बट यार ऐसी कौन सी इच्छाएं पूरी कर सकता है? फैंकी भाई मेरी बात सुनो, मैं आपको एक मस्त वाला प्लान देता हूँ। हाँ बता भाई सिंचन क्या बोल रहा है? आप यार जाकर उनको बोल दो आपके पास यार एकदम मस्त मस्त और सुपर पावर आ जाए। और यार दूसरी विश बोल देना कि यार आप आपके मन के अंदर कोई भी चीज सोचो वो चीज आपके सामने आ जाए। और भाई तीसरी विश में उनको बोल देना कि यार आपके पास एकदम मस्त वाली सुपर भागने वाली पावर आ जाए, मतलब भाई एकदम स्पीड में भागने वाली पावर ना। हाँ ऐसे ही बोल दो। अच्छा ठीक है भाई सिंचन जैसे तू कहे अभी जाकर बोल देता भाई। आओ गाइस चलता पड़ा अंकल के पास, लेट्स गो। हेलो अंकल मैंने सोच लिया मुझे कौन सी विशेष पूरी
पूरी करनी है। हाँ तो बताओ बच्चे कौन सी इच्छा पूरी करनी है। तो अंकल सुनो मेरी बात, मेरी पहली इच्छा है कि भाई साहब मैं सुपर हीरो की तरह उड़ सकूं, और दूसरी इच्छा है कि भाई साहब मैं अपने मन के अंदर कोई भी चीज सोचूं वो चीज मेरे पड़ाक से सामने आ जाए, और तीसरी इच्छा है कि भाई साहब मैं एकदम सुपर हीरो की तरह स्पीड में भागूं। अच्छा ठीक है बच्चा अभी पूरी करता हूँ, तो मेरी बात सुनो बच्चा, अभी मैं कुछ बोल कर यहाँ से चला जाऊंगा और तुम्हारे अंदर से एक अजीब टाइप का दुआ आएगा। हाँ फिर आगे, फिर यार वो दुआ जब रुक जाएगा उसके बाद में पावर तुम्हारे अंदर आ जाएगी। अच्छा ठीक है अंकल कर दो। अच्छा ठीक है तो अभी करता हूँ। ओम श्रेम इस बच्चे की प्रॉब्लम सुझाए स्क्रीम। अरे अंकल ये क्या बोल के गायब हो गए। अरे हाँ पंकी भाई देखा अपने अंकल से सच्ची भी गायब हो गए। अरे हाँ यार उन्होंने तो मुझे कहा था कि भाई सब बोल कर गायब हो जाएंगे, बट यार ये नहीं कहा था कि भाई ये दुआ कब तक रुकेगा। बट यार गाइस उन्होंने मुझे सब कुछ समझा दिया है कि भाई सब जैसे दुआ रुक जाएगा फिर यार गाइस ये पावर्स काम करेंगी। बट यार तुम लोग एक बार देखो भाई कैसे अजीब टाइप का दुआ जा रहा है मेरे अंदर से। अरे हाँ पंकी भाई बट यार एकदम मस्त लग रहे हो आप। हाँ भाई मस्त लग रहा हूँ मैं। बट यार पंकी भाई जल्दी से कुछ खाने के लिए भी मंगवा दो। हाँ रुक जाओ भाई मंगवाता हूँ। बट यार रुको गाइस यार पहले इंतजार करते हैं, देखते भाई साहब ये पावर कब तक जाती है, फिर गाइस हम लोग देखेंगे भाई हम लोग इन पावर का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो भाई इंतजार करते एक सेकंड। अबे ये क्या भाई ये दुआ रुक गया। हाँ पंकी भाई दुआ तो फाइनली रुक गया, अब एक काम करो कुछ तो मांग के देखो। अरे हाँ बट क्या मांगू भाई। अब भाई करो एक काम कर दे कुछ पैसे ऐसे मांग कर देख ले। अरे पैसे नहीं रुक जा भाई एक काम करता हूँ भाई इन पत्थरों को पैसे में चेंज कर देता हूँ भाई ये तो इम्पॉसिबल है। अरे हाँ पंकी भाई आपने बिल्कुल सही कहा ये तो इम्पॉसिबल है करके देखो जरा। हाँ रुक जा भाई करता हूँ। तो चलो भाई एक काम करो ये चारों के चारों पत्थर को भाई फटाफट से पैसों के अंदर चेंज कर दो। क्या लगता है गाइस आपको ये होगा। अरे होगा क्या भाई हो गया। ये देखो गाइस लिटरली यहाँ पर कितने सारे पैसे आ गए। हाँ पंकी भाई पैसे तो आ गए वो भी ढेर सारे। हाँ यार गाइस तुम लोग देखो ना यार भाई बंडल के बंडल है भाई यहाँ पर तो पैसों के। ऐसे तो गाइस यार मैं तो भाई बहुत ज्यादा अमीर बन सकता हूँ। अरे हाँ तो चलो एक काम करते हैं बहुत ज्यादा महंगी महंगी गाड़ियां मंगवाते हैं। हाँ भाई सोचा गाड़ियां तो मंगवाएंगे बट यार यहाँ पर नहीं एक बड़ा सा घर खरीद के। अब क्या कहा भाई कल मैं बड़ा सा घर खरीद के। बिल्कुल भाई तुम लोग देखो अब मैं क्या करता हूँ। आ जा बैठ जा भाई सोचा। हाँ चलो चलो बट यार आप भूल गया आपके पास एकदम बढ़िया सुपर पावर्स भी है। अरे हाँ वो तो मैं भूल गया था। रुको गाइस एक काम करता हूँ पहले तो जाकर एकदम मस्त वाला घर खरीदता हूँ, उसके बाद में गाइस यार वहाँ पर बहुत सारा गोल्ड डायमंड मस्त मस्त वाली गाड़ियां मंगवाता हूँ वो तो गाइस यार एकदम बढ़िया दिखेंगी। बट गाइस उससे पहले काम कर दो भाई फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। हाँ गाइस जाओ यार फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और यार अब तो हमारे पंकी भाई भी वापस आ गए इसी बात पे कर देना फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब। और अभी तो चलते गाइस फटाफट से एकदम मस्त वाला मेंशन खरीदने के लिए लेट्स गो। तो फाइनली गाइस यार पूरे एक दिन बीत चुका हमें पावर्स मिलने के बाद, और ये देखो गाइस यार मैंने खरीद लिया पूरे 1000 करोड़ का मेंशन। हाँ गाइस आपको भरोसा नहीं होगा बट यार मैंने खरीद लिया पूरे 1000 करोड़ का मेंशन। तुम लोग देखो ना भाई कितना ज्यादा बड़ा मेंशन है। और यहाँ पर तो तुम लोग देखो भाई सारी की सारी मस्त मस्त सुपर कार्स की लाइन है वो भी प्योर डायमंड की बना दी गाइस मैंने सारी की सारी गाड़ियों को। और भाई ये फरारी और भाई लैम्बोर्गिनी तो कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है, ये दोनों तो मेरी फेवरेट कार्स है। बट यार एक सेकंड मैं आप सभी को और एक बढ़िया चीज दिखाता हूँ। ये देखो गाइस यहाँ पर है बहुत सारा डायमंड, बहुत सारे पैसे और भाई साहब बहुत बड़ा कोड का पहाड़। देखो ना गाइस यार ये कितने सारे भाई मजा आ गया। भाई साहब लॉस एंटर्स का सबसे ज्यादा रिचेस्ट इंसान मैं बन चुका हूँ अभी। बट यार एक सेकंड यार मैं आप सबको एकदम मस्त वाला ड्रोन शॉट दिखाता हूँ। तो ये देखो गाइस यार ये रहा हमारा वो 1000 करोड़ का मेंशन जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। आप जरा देखो भाई ये बिल्कुल बीच के किनारे पर है। और ये देखो गाइस यार इस मेंशन का लेफ्ट वाले साइड में यहाँ पर है गाइस यार एक बहुत बड़ा हेलीपैड जो कि भाई हमारा है। और यार इस तरफ देखो गाइस यार यहाँ पर हम लोग हमारी सारी सारी बोट्स पार्क कर सकते हैं। और गाइस बैक यार्ड में आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारे दो दो बहुत बड़े स्विमिंग पूल है, मतलब यार ये एक ही है बट यार ऐसा लगता है दो है। और घर के अंदर भी गाइस हमारे एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। और यार यहाँ पर देखो गाइस यहाँ पर हम लोग सारे सारे दोस्तों को बुलाकर रात में एकदम मस्त वाली बॉन फायर कर सकते हैं। और ऊपर का फ्लोर भी गाइस हम लोग कभी और टाइम एक्सप्लोर करेंगे। और गाइस आपको ये मेंशन भी पसंद आया तो गाइस यार आप फटाफट से मुझे कमेंट के अंदर यस करके लिख देना। और बाकी गाइस यार आपको देखना है कि भाई मेरे पास कौन सी वाली सुपर पावर्स भी है वो गाइस यार देखने मिलेगी आपको हमारे अगले वीडियो के अंदर। तो चलो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं अर्शिन चैन मिलते आ रहेगा ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।